अंजड़ पुलिस थाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और प्रबंधन को लेकर थाना प्रभारी सोनल सिसोदिया द्वारा थाना परिसर में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश के नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाउडस्पीकर हेतु जारी किए गए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और उपस्थित जनों के सवालों के जवाब दिए। नियमों के तहत संबंधित अधिकारी से नए सिरे से अनुमति लेना होगी तथा मंदिर मस्जिदों में तय मानक अनुसार ही लाउडस्पीकरों को उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ मौजूद समस्त समाजजनों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने की बात कही। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं मुस्लिम समाज के सदर अफजल मंसूरी जी से। मंसूरी जी, जैसे अभी सरकार बनने के बाद में जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो सरकार का आदेश आया कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी के ऊपर जो है ये लागू रहेगा, आज इसकी मीटिंग हुई है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से अभी TI मैम ने समझाया है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, हम शासन का पालन करेंगे। जो भी दिशा निर्देश शासन ने हमें दिया है हम उसका पालन करेंगे। बात करते हैं नगर अंजड़ की थाना प्रभारी महोदया सोनल सिसोदिया जी से। मैडम, नवीन सरकार गठन के बाद में मुख्यमंत्री के जो आदेश आए ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, इसके लिए आज आपने एक मीटिंग बुलाई थी सभी समाजों की, क्या निर्णय हुए और क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए? जी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नए सर्कुलर जारी किए गए हैं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत सर के निर्देशन के अनुसार सभी थानों पर बैठक आयोजित की गई है। सभी धर्म गुरुओं को जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो नियम बताए गए हैं, किस तरह से उनका पालन करना है, कितने डेसिबल में उनका उपयोग किया जाना है, किस समय पर उपयोग किया जाना है, और चूँकि किस जोन के अंतर्गत हमारा जो आएगा एरिया वो डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में जो है सभी धर्म गुरुओं को हमारे द्वारा जानकारी दी गई है। और इसमें सभी धर्म के अनुयायियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दिखाकर उनके नियमों का पालन करने की स्वेच्छा बताई गई है। मैडम, इसको लेकर के जो जैसे आपने बताया कि अलग अलग जोन बांटे गए हैं, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, ऐसे जोन को लेकर के क्या दिशा निर्देश है? चूँकि अगर अंजड़ क्षेत्र की बात करें तो ये एरिया जो हमारा तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन। तो इन तीनों एरियाज में अलग अलग डेसिबल निर्धारित किए गए हैं दिन और रात के समय में, तो इन नियमों का पालन जो है इन सभी धर्मानुयायियों को करना पड़ेगा। मैडम, जो मांस और खुले में मांस मदिरा बिकने की भी जो है सरकार ने आदेश दिया, इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं? जी, इसके दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए हैं ये इनके जो पालन है, ये श्रीमान CMO महोदय द्वारा इनके पालन करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें खुलकर और इनके बारे में डिटेल्स में सभी लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।